दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काजी साहब, वरिष्ठ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल मसलों पर महारत रखते हैं, अक्सर हमारे साथ आते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं। अब आपका एक चैनल भी है इंटरनेशनल जो अफेयर्स के ऊपर, मीडिया स्टार वर्ल्ड, उसमें तमाम चीज़ों का खुलासा होता रहता है जो अखबारों में भारत में नहीं आती, उनका खुलासा होता रहता है। बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है काजमी साहब आपका हमारे चैनल के ऊपर। जी शुक्रिया। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक अजीब सी चीज़ शुरू हुई है हमारे देश के आसपास, यानी हमने कहना चाहिए पड़ोसी मुल्कों से तो अपने ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, बांग्लादेश हमारे खिलाफ होता चला जा रहा है, नेपाल तक हमारे खिलाफ होता चला जा रहा है, तो उसमें एक नई चीज़ शुरू हुई। नेपाल ने एक नक्शा निकाला जिसमें हमारे कई हिस्सों को हमारे उन्होंने अपना बता के उसको पार्लियामेंट में पास करा के अब वो उसके 50-60 हज़ार कॉपी छपवा के पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, जैसे कि उनका आ रहा है। वो चीज़ थी, चीन तो अपना हिस्सा बता ही रहा, जमी गया आके यहाँ पाकिस्तान ने भी एक सोचा छेड़ दिया काफ़ी दिनों बाद। पहले कहता रहा है वो, जैसे पीओ का था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो अपना कहता था, अब वो उसने यहाँ पे एडिशन करके और एक नया नक्शा बनाया कि ये हमारी जगह है और नक्शा बना के अप्रूव कर लिया उसने और वो नक्शा आ भी गया है, मीडिया में भी उसने डिस्प्ले किया। इमरान खान ने बाकायदा को, इमरान खान इससे पहले कह चुके थे 5 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, तो उसका ऐलान। तो ये क्या बात है, क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, क्या नक्शा बनाने से उनको भारत की ज़मीन मिल जाएगी? देखिए, एक तो बुनियादी बात आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका का हमसे पहले से दोस्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमने तो बाद में ज्वाइन किया जब सोवियत यूनियन बिखर गया, तो वहाँ अमेरिका के समझाए पढ़ाए पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स हमसे ज़्यादा हैं। मैं हमसे ज़्यादा जब कह रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी इन्फ्लुएंस उनके यहाँ तो इतना ज़्यादा है कि जब कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री कैबिनेट बनती है, तो मुझे याद है जब नवाज शरीफ की मिनिस्ट्री बन रही थी तो उसमें 2 हफ्ते तक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी इस्लामाबाद में रहा, एक एक नाम उसने क्लियर किया और उसमें एक नाम जिनको मैं पहले से जानता था, मैंने पहले से कह दिया था वो ज़रूर मंत्री बनेंगे, वो बने, उनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। और मैं चूँकि उनसे 3 हफ्ते तक अमेरिका में साथ में रहा तो वो प्रो अमेरिकन हैं पहले से हैं, वो सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, तो उस तरह से वहाँ हुकूमतें काम करती हैं। अब दूसरी बात ये समझने की है कि टेंशन जब हो मुल्कों के बीच में तभी उन हथियार बेचने वालों के हथियार बिकते हैं। अब ये भारत कहता है, भारत का अपना मानना है, समझना है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। बाकायदा पार्लियामेंट में नरसिम्हा राव के ज़माने में पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको भी अपना हिस्सा कह करके उसे वापस लेने की का एक कमिटमेंट किया गया। कमिटमेंट अभी भी आई है जी, वो आज भी है, कानूनी हैसियत उसकी है। तो अब जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अपने मैप में छाप करके एक तरह से भड़ास निकाली है, और ये सिर्फ भड़ास नहीं है बल्कि इस खित्ते में टेंशन बढ़ाने का एक इंतज़ाम किया गया है जिसका ताल्लुक बराह रास्त वाशिंगटन से है। ये हमें दिल्ली में बैठ करके समझने की ज़रूरत है। हम असल में गलती ये करते हैं कि हम पर्दे की पहली परत पर नज़र रखते हैं, उसके पीछे क्या उस पर नज़र ही नहीं रखते, उसके पीछे कौन खड़ा है उस पर हम नज़र नहीं रखते, बल्कि हम जो पीछे खड़ा उसे हम अपना दोस्त समझते हैं। तो ये एक अजीब खन्नास है कि हम दोस्त और दुश्मन को भी नहीं पहचानते। आप, मैं मान गया, हाँ अमेरिका यहाँ पे, हाँ फिर नेपाल ने किसके कहने पे कर रहा है? देखिए नेपाल, चाइना किसके कहने पे कर रहा है ये सब चीज़ें? देखिए चाइना को किसी और के कहने पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाइना तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि अब वो अमेरिका ये कहता है कि चाइना को कंटेन किया जा सकता है भारत के ज़रिए, मतलब भारत से दोस्ती जो है, वो जो पिछले दिनों ईरान ने निमिट्स को पीटा है एक तरह से, उसको नकली को, उसको वो हमारे हिंद महासागर में आ गया था, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बदमाश की हमें सपोर्ट है। जी जी, तो ये सब नकली चीज़ें हैं। चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ा रहा है,
बांग्लादेश हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो या मालदीव हो, ये बात अपनी जगह तय है। तो चाइना किसी और के कहने पर नहीं करेगा। हाँ, चाइना पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाइना के कहने पर पाकिस्तान ये कर सकता है, चूँकि चाइना भी लद्दाख में अपने फौजी भेजे हुए हैं, ये बात सरकारी तौर पर कही गई है, जिसको प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं कह रहे हैं। तो ये चाइना पाकिस्तान वो एक समझ में आता है, उनके ताल्लुकात भी बहुत नज़दीक हैं, और अमेरिका इसलिए समझ में आता है कि वो आम तौर पर दो राइवल मुल्कों के साथ ताल्लुकात एक साथ बना के रखता है, दोनों को एक साथ हथियार भी दे सकता है वो, और वो साजिशें भी कर सकता है। तो ये नेपाल का नया मैप आ गया, इधर ये पाकिस्तान का नया मैप आ गया, तो अगर अगर लेकिन अभी तक भारत से रिएक्शन तो आ रहे हैं कि गलत है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, वो तो देखिए अयोध्या में बिजी थी सरकार। अच्छा, ये बात आप समझ लें, अयोध्या में पूरी सरकार बिजी थी, और वो सबकी नज़रें सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर थी, या जो अयोध्या जा सके उन्होंने अयोध्या में बहरहाल उस संगे बुनियाद जिसे भूमि पूजन कहा जाता है उस सब में लगे हुए थे। शायद अब एक दो दिन बाद कोई ऐसा रिएक्शन आए। और वैसे भी हमारा जो विदेश मंत्रालय है, मैं 1983-84 से शुरू के बरसों में तो मैंने बहुत ज़्यादा फॉरेन मिनिस्ट्री कवर की है, और हमारे बहुत से पत्रकार इस बात को कहते थे कि जब दुनिया में कोई भी वाकया होता है तो इंडिया का रिएक्शन सबसे लेट आता है, चूँकि वो देख लेता है रूस से क्या जवाब आया, अमेरिका से क्या रिएक्शन, डिप्लोमेसी है। हाँ, मतलब वो ऐसी डिप्लोमेसी के फैसला खुद नहीं लेते, औरों के फैसले देख करके फिर हम फैसला करते हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हमारे जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं वो कहीं मॉस्को में या वाशिंगटन में या तेल अवीव में किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन सरकारी सतह पर अभी उतना जोरदार नहीं वो नहीं आया जो आप कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल विरोध होना चाहिए, जो विरोध होना चाहिए। अब मुश्किल है कि ये भी है कि उस इलाके में जिस इलाके को पाकिस्तान ने अपने यहाँ वो किया, वहाँ हमारे यहाँ से कर्फ्यू लगाया गया बाकायदा अभी 4-5-6-2-3 दिन के लिए, ताकि वो ब्लैक डे ना मना पाएं 5 अगस्त जी। तो ये एक अजीब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ हमें बहुत से मुल्कों से नाराज़गियाँ झेलनी पड़ रही हैं, उधर हमारे मुल्क के अंदर भी जो जाहिर है कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, तो उनके साथ भी ऐसी शिकायतें हैं उन्हें कि जो कुछ वादे किए गए थे एक साल पहले, वो जन्नत बना देंगे और तरक्की ले आएंगे और इन्वेस्टमेंट तो आएगा, वहाँ कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ नाराजगियाँ बढ़ी हैं। तो ये पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है, जाहिर है इसका असर कश्मीर पे क्या पड़ेगा जो अरे साहब, 2 दिन पहले नक्शे से 1 दिन पहले वहाँ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया, बहुत ही भड़काऊ बयान था। उन्होंने कहा कि सब हम एक सड़क का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया गया, और ये कहा कि हम इंशाल्लाह श्रीनगर में जाकर के कश्मीरियों के साथ नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो इस सब में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन को ख़राब करने के लिए तैयारियां हो रही हैं, और ये तो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान हैं, या मतलब ये सिर्फ प्लेयर्स हैं, इशारा कहीं और से है, लेकिन जब फंस जाएंगे तो कीमत इन्हें ही चुकानी पड़ेगी। बाहर वाले तो हथियार बेचेंगे, दोनों तरफ बेचेंगे और अपनी तिजोरियां भरेंगे, और हमारे पेट जो अभी एक रोटी मुश्किल से मिलती है वो भी छिन जाएगी, जिस तरह से तेज़ी से भुखमरी, बेरोज़गारी, महंगाई, इस सबसे जो त्राही त्राही देश भर में है, इससे नुकसान ही होगा। अच्छा, इसका इंटरनेशनल उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि नेपाल ने दिया नक्शा, इसके बाद पाकिस्तान ने दे दिया नक्शा, और चाइना तो नक्शा नहीं दे रहा, तो वो तो कब्जा ही कर रहा है, तो कब्जा कर, वो तो LAC उसे कहता है वो कि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हम जहाँ बैठ जाएंगे वही एक्चुअल कंट्रोल है। तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग, जहाँ हम खड़े हो जाएंगे वहीं से शुरू होती है लाइन शुरू होती है। तो ये बहरहाल वो कर रहे हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे 20 शहीद भी चले गए जवान, और उसके बाद भी
हमारे यहाँ सरकारी सतह पर चीन के इस ट्रांसग्रेशन या घुसपैठ जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका जवाब उस तरह से उन्हें नहीं दिया गया जैसा कि दिया जाना चाहिए था चाहिए। और इस हद तक मामला खराब हुआ कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, रफाइल मंगा ली है, हमने रफाइल मंगा ली है। तो बहरहाल रफाइल क्या कुछ कर पाएंगे, मुझे बहरहाल उस पर डाउट है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रफाइल फोर्थ जनरेशन है और चीन के और पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान का F-16V और चीन का J-20 वो इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये बहरहाल वक्त बताएगा कि ये सब वाकई डिफेंस की तैयारी या करोड़ों रुपए का जो हेर फेर जो था सैकड़ों करोड़ का वो बहरहाल सबके सामने है। देश किस तरफ जा रहा है मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इससे ज़्यादा तो बहरहाल क्या कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपने एक बात बताई बहुत नई है, अभी इसके ऊपर आगे भी चर्चा होती रहेगी। इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडियो वापस, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।